गर्लफ्रेंड के साथ में लैंगिक कमजोरी, इसके बारे में बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। क्या होता है कि बहुत बार हमारे पास में जब लोग ऑडियो वीडियो कॉल्स करते हैं तो काफी बार ऐसी कंप्लेंट करते हैं कि घर में पत्नी के साथ में उनका ठीक होता है मगर बाहर ठीक होता नहीं, बाहर प्रॉब्लम है। बाहर मतलब उनका रिलेशनशिप में है, बाहर गर्लफ्रेंड है या और मतलब कोई लेडी है उसके साथ में उसका है, तो फिर उसमें प्रॉब्लम आते रहते हैं। अभी ये होता क्यों है, क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक तो क्या होता है कि ये व्यक्ति घर में ठीक है, घर में कोई टेंशन रहता नहीं है, घर में एकदम शांति है, घर का वातावरण रिलैक्स रहता है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मतलब ऐसा कुछ भी प्रेशर दिमाग के ऊपर नहीं है, तो घर में पत्नी के साथ में उसका बराबर ठीक हो रहा है। क्योंकि परफॉर्मेंस एंग्जाइटी नाम की जो चीज़ है वो है नहीं कि भाई जमेगा नहीं जमेगा, ऐसा कुछ भी नहीं, वेरी कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल है, पत्नी भी कुछ नहीं, उसके साथ में अच्छी रिलेशनशिप है, सब कुछ ठीक चल रहा है। कुछ व्यक्ति ऐसे मिलते हैं कि जिनका घर में ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए उनको बाहर करने की इच्छा होती है। घर में पत्नी के साथ में कभी कभी करते हैं तो ठीक होता है, घर में पत्नी को कुछ बीमारी है, जोड़ों में दर्द है या डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, और मतलब काफ़ी सारी बीमारी ऐसी हो सकती है कि जो पत्नी को है, जिसके वजह से वो सेक्स को नकार देती है। फिर अर्थात वो बाहर देखता है कि बाहर कुछ संबंध हो सकते हैं क्या, बाहर कुछ अपना सेटिस्फेक्शन हो सकता है क्या, और बाहर वो जाता है तो वहाँ उसको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होती है। अब ये परफॉर्मेंस एंग्जाइटी क्या है? परफॉर्मेंस एंग्जाइटी मतलब परफॉर्मेंस करने की एंग्जाइटी, चिंता या स्ट्रेस, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। बाहर जब जाता है तो उसको एक ये रहता है कि नहीं मेरा जमना ही चाहिए, होना ही चाहिए, बाहर मैं रिलेशनशिप रखता हूँ और वहाँ जमा नहीं तो वो लेडी क्या बोलेंगी या वो फ्रेंड क्या बोलेंगी, वो तो बड़े चुपके चुपके आती है, कभी तभी तो कहीं तभी मिलते हैं, डर डर के मिलते रहते हैं, और उसमें भी नहीं जमा तो वो क्या बोलेंगे, अगले बार आएंगे नहीं, मतलब ऐसा इतना प्रेशर रहता है कि वो प्रेशर में फिर इरेक्शन आता ही नहीं है। इरेक्शन आने के लिए पहले दिमाग में सेक्स के विचार आना जरूरी है, और सेक्स के विचार, सेक्स की इच्छा वो रहना जरूरी है। अच्छा, सेक्स के विचार कहाँ से आते हैं? वातावरण से आते हैं। और वातावरण ही ठीक नहीं है, वातावरण ही भयप्रद है। वातावरण में कोई आएगा, देख लेगा, धड़कन है, चुप चुप के आ रहा कोई तो भी व्यक्ति, मतलब इस तरह का वातावरण है तो अंदर सेक्स के विचार नहीं आएंगे। सेक्स के विचार नहीं आएंगे तो पेनिस के तरफ जो जाते हैं इम्पल्सेस वो जाएंगे नहीं बराबर, पेनिस में ब्लड फ्लो होगा नहीं, और ब्लड फ्लो मतलब खून की एंट्री जो होती है, खून का प्रवेश होता है लिंग में, अंदाजन 150-200 ml, वो होगा नहीं और नेचुरली इरेक्शन आएगा नहीं। अब इसके लिए हम उनको बोलते हैं कि नहीं, आपको मास्टर्स एंड जॉनसन टेक्निक जो है, जो मैंने बताया पहले मेरे कुछ वीडियोस में, अमेरिकन मेथड मास्टर्स एंड जॉनसन टेक्निक, उसमें कई सेंसेट फोकस ये जो उपचार है वो यदि करते हैं वो, तो उसमें क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं सेक्स करने के लिए। और जब स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं और हर स्टेप में उनका जो प्रेशर है, टेंशन है, वो निकाले जाता है कि वो नहीं होना भाई, उसके लिए गाइड करते कि प्रेशर नहीं है, टेंशन नहीं है, आप सेक्स कर रहे हो मगर टेंशन प्रेशर बिना कर रहे हो तो इरेक्शन आ जाता है, और वो यदि करते इस प्रकार का तो उनको प्रॉब्लम आता नहीं है। तो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी के ऐसा नहीं कि कोई दवाई दो, गोलियां दो, हो सकता है कि टेम्पररी फायदा होगा, मगर परफॉर्मेंस एंग्जाइटी ठीक हो सकती है साइकोथेरेपी से, काउंसिलिंग से, हिप्नोथेरेपी से, और उनको स्टेप बाय स्टेप सेंसेट फोकस की जो ट्रीटमेंट है वो सिखाने से। तो ये परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि घर में ठीक हो रहा है, बाहर ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब लिंग में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है। क्या है कि सेक्स सेंटर जो है उसमें यदि प्रॉब्लम है, वहाँ इच्छा नहीं हो रही है, तो इम्पोर्टेंस आता ही आता है। तो ये हमें समझना चाहिए परफॉर्मेंस एंग्जाइटी में कि ये पूरी साइकोलॉजिकल बीमारी है और उसका साइकोलॉजिकल ही इलाज होता है। ये भी आपको अच्छा लगा जरूर शेयर करो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये जो लिंक दिए इसके ऊपर क्लिक करो ताकि आप हमारे सेक्स वेबिनार में आ सकेंगे और काफ़ी सारा ज्ञान आप ले सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।